नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सबकी केवीएस इंटरव्यू की क्लासेस चल रही थी, आपके केवीएस इंटरव्यू के लिए केवीएस के बारे में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हम डिस्कस कर चुके। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते उनकी क्लासेस आ रही, बहुत सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए। इसके साथ साथ आपके जैसे केवीएस ने अभी नया चला है, मनोदर्पण क्या होता है, एसटीएम मॉडल क्या होता है, ईएलपीएस क्या होता है, अप्रोच क्या होते हैं, केवीएस के रीजन क्या होते हैं, जाइट क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके। अगर आपने अभी तक उन सारी क्लासेस को नहीं देखा हो तो चरण के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। ओके, आज से हम क्या करें, आपके टॉपिक जैसे मैथ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर केवीएस के भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले इंटरव्यू है उससे मैंने टीचर से या बहुत सारे एक्सपर्ट से पता किया है कि उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को लेकर हूँ कि मैथ में कैसा क्वेश्चन, ईवीएस में आपके, हिंदी में आपके, साइकोलॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट इश्यू से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज से अपनी क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ऑफलाइन में आप सबके जो आंसर शीट आई थी उन सबको मैंने चेक कर दिया, आपको जो भी रिव्यू दी गई उन पे काम करिएगा। ओके, इसके साथ साथ जो आप लोगों ने डेमो भेजे थे ऑफलाइन वाले बच्चों के, अभी मैं उन डेमो पर रिव्यू नहीं दे पाई हूँ। एक्चुअली आप सबको पता है कि यूपीटेट की क्लासेस शुरू हो चुकी है, आपके जो वीडियो और एग्जाम था उसमें भी मेरी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा सा बिजी है, लेकिन जैसे मैं आपको टाइम मिलता है रिव्यू दे दूंगी, लेकिन बाकी सारे टीचर्स दे चुके हैं। ओके, तो बस आप सब जितना आपको ऑफलाइन में दिया जा रहा है उन सब पे अच्छे से फोकस करिए, मेहनत करिए। और YouTube वाले बच्चों, आप सबको मैंने इंटरव्यू की मैंने अपनी स्पेशली सारी क्लासेस फ्री कर दी है, आप उन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजों के पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए, उन सारी चीजों को देख लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे सिलेक्ट होकर दिखाइए। ओके, आपके जितने भी डाउट थे सारे डाउट्स को मैंने आंसर कर दिए क्योंकि कई दिनों बाद में यूट्यूब में आई हूँ। ओके, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आज मैं स्पेशली आई थी कि आपके जितने भी डाउट उन सारे डाउट को रिजॉल्व कर सकूं। तो देखते हैं मैथ में कैसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, समरूप और सममिति में अंतर क्या होता है, बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ा सकते हैं। आप बताइए, आपको इन क्वेश्चन के आंसर 100% पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। जैसे समरूप क्या होता है, जैसे सेम पैटर्न देखने में बिल्कुल सेम लगे, जैसे ये दोनों क्या हो रहा है, दिखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, तो समरूप होता है। सममिति क्या होता है, जब हम उसको डिवाइड करें तो सेम पार्ट में डिवाइड हो सके, जैसे इसके सममिति रेखा क्या होगी, यहाँ से आएगी। अब जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की सममिति रेखा की यहाँ से खींच सकते हैं, नहीं, त्रिभुज की सममिति रेखा यहाँ से खींचेंगे तो सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, तो आपके ट्राइंगल की सममिति रेखा कहाँ से होगी, यहाँ। तो आपको बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये भी पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर 100% आपको पता होंगे, लेकिन आप बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे ये चीज आप तैयार करिए। अब मान लीजिए इंटरव्यू पैनल ने आपसे बोल दिया, आप बच्चों को सिमेट्री से कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपके आसपास के एग्जांपल कैसे प्रयोग करेंगे, तो इन सारी चीजों को तैयार करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा ही गया था, होल नंबर्स और ग्रुप प्राइम नंबर्स को बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर ले तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं, आपको पता है। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्रो प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, वन हो, जिसका भी एचसीएफ वन होते हैं वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3 हो गया, 5, 7 हो गया, 9, 11 हो गया, ये आपके क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। बस सिर्फ एक छोटी छोटी पॉइंट बता लो, मेन मकसद क्या है, आपको क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराना कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आप इन सारे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। और सारे क्वेश्चन आप बाइलिंगुअल तैयार करिए। देखिए, आपका एक क्वेश्चन आया था कि मैं, मेरे को ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो क्या करूं, मैं एक्सपीरियंस दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। अगर एक्सपीरियंस दिखा रहे तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, लेकिन आप एक्सपीरियंस दिखा रहे तो आपको पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ से जो चीजें आप बायोडाटा में दिखा रहे हैं तो एग्जामिनर को दे रहे हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सको। अगर आप बहुत कम चीजें दिखाएंगे तो एग्जामिनर कहीं और से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको लग रहा है कि आप उससे अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको 100% दिखाना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस कैसे करना, इस टॉपिक को बिल्कुल तैयार करके जाइए। अगर आप पीआरटी के लिए तैयार भी कर रहे हैं तो पीआरटी के आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को एडिशन कैसे पढ़ाएंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे, मल्टीपल कैसे समझाएंगे, डिवीजन बच्चों को कैसे समझाएंगे, इसको अच्छे से तैयार करिए और इसमें एक डेमो भी तैयार कर लीजिए। हो सकता है आप इंटरव्यू पैनल बोल दें कि भाई आपको एडिशन पढ़ा के दिखाना है, बच्चों को एडिशन कैसे पढ़ाएंगे और ऐसे जो आपके कैरी वाले होते हैं ना, कैरी वाले को कैसे आप एड करके बच्चों को दिखाएंगे, तो आपको इस तरह से दिखाना है कि बेटा वंस का क्या होता है। एक वंस पे जैसे आपके ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये हंड्रेड होता है, ये इनके हाउस होते हैं। एक हाउस में वन पर्सन रहेगा। अब जैसे मान लीजिए 15 हुआ तो आपको बच्चे को सिखाने की बेटा यहाँ तो 2 लोग हो गए लेकिन एक हाउस में तो 1 पर्सन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये बोलेगा अब ऐसा कर दो, इनके साथ मिलकर इनके साथ जाता हूँ। ऐसे बस अलग तरीके से इंटरेस्टिंग वे से स्टोरी मेथड से पढ़ाना है। ओके, तो आप इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जैसे आपको बच्चों को फ्रैक्शन कैसे पढ़ाना है, बच्चों को परसेंटेज कैसे, बच्चों को इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, तो कोई एक स्टोरी सुना सकते हैं कि जैसे भाई दो भाई थे राम और श्याम, उनको मिला एक रसगुल्ला। अब दोनों आपस में लड़ पड़े कि मैं खाऊंगा। इस बात पे दोनों के लड़ पड़े। इतने में मम्मी आई, मम्मी बोली आधा खाएगा राम आधा खाएगा श्याम। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वे से छोटी छोटी पोएम तैयार कर लीजिए। अब आप बच्चों को ऐसे दिखा सकते हैं, बेटा देखो ये रसगुल्ला था, इसी में तो लड़ाई हुई थी ना, राम बोल रहा था मैं खाऊंगा रसगुल्ला, श्याम बोल रहा था मैं खाऊंगा रसगुल्ला। इतने में मम्मी आई, मम्मी बोली आधा आधा खाओ। तो मम्मी ने क्या किया, रसगुल्ला को ऐसे बांट दिया, आधा आधा दे दिया। तो ये आधा आधा क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है। इस तरीके से बच्चों को छोटे छोटे तरीकों से इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन के आंसर फ्रेम करिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, थैंक यू।